वेलकम बैक, आई एम नीरज कुमार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा भारत कोरोना का कहर से जूझ रहा है। कोरोना वायरस इसकी चपेट में पूरी दुनिया लगभग आ गई, और यहां तक कि हमारा बिहार भी, भारत के साथ साथ हमारे बिहार में भी यह आ गया। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को, जो इस छुट्टी है, इस छुट्टी के समय में मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को यह छुट्टी जो मिला है, ये हमारे भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी, वह हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने भी बहुत बड़ा फैसला लिया कि सभी जो है संस्थाएं को 31 मार्च तक बंद रखी जाए, और आपका भी संस्था को बंद रखा गया है। तो आप इस खाली समय में ये नहीं कि आप खेले कूदे, इधर उधर घूमे, इस खाली समय में आप अधिक से अधिक समय को घर पर बिताएं। हो सके तो आप पीछे वाले चैप्टर को रिविजन करें, पीछे वाले जो भी छूटा हुआ है उसको दोहराएं, याद करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। कोरोना से बचने का सिर्फ एक मात्र अभी उपाय है, आपको जितना अधिक से अधिक स्वच्छ रहें और घर पर रहें, बार बार आप साबुन से हाथ धोएं, साथ ही साथ आप जो भी मास्क है उसका उपयोग करें, छींकते और खांसते वक्त जो भी हो उसे गमछी या तौलिया से मुंह को ढककर रखें। अगर कोई दोस्त आपका या फिर कोई रिश्तेदार अगर बाहर से आता है तो उनसे कहें कि आप जो है कोरोना का चेक करा लें, अगर पॉजिटिव निकलती है तो उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त में इलाज किया जाएगा, अगर निगेटिव निकलती है तो फिर वो अपने परिवारों के साथ व्यतीत करेगा, क्योंकि यह बीमारी जो है इंसानों से ही फैलता है। अगर एक इंसान को होता है तो दूसरे इंसान, तीसरे इंसान, उसी प्रकार से यह पूरा देश, पूरा गांव, पूरा और सब जगह फैल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कम से कम 31 मार्च तक जो छुट्टी है उस छुट्टियां में आप लोग घर पर बिताएं, और उसमें आप लोग पूरी साफ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि कोरोना से लड़ना एक जंग है, जंग जीतने की बराबर होगी, क्योंकि यह एक महामारी की तरह फैली हुई है। इसलिए मैं आप सबको, मैं अपने सभी बच्चों को, जो भी हमारे विद्यार्थी उनके साथ साथ मैं सभी अभिभावकों को भी बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को घर पर रखें और उन्हें इस खाली समय में उन्हें इसको समझाने का प्रयास करें। उन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जिससे हमको अभी लड़ना है, हिम्मत बनाना है, ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी हिम्मत के लायक काम होगा, जो भी सरकार जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से हम लोग साथ देंगे, तभी एक हम लोग का भारतीय होने का हक होगा। ये नहीं कि अभी हमारा भारत का जो भी सिपाही सैनिक है वही सिर्फ लड़ रहा है, दूसरे देशों से हमारी रक्षा कर रहा है, तो सिर्फ वही एक फोर्स है, नहीं, आप भी एक फोर्स है, आप भी एक भारतीय होने का भी हक अदा कीजिए। आप अधिक से अधिक समय में घर पर बिताएं, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से निकले या फिर किसी दूसरे जगह जाने का प्रयास करें। तो मैं यह एक छोटा सा बात आप लोग के सामने रखा था, इसको आप लोग कम से कम पालन करें, और फिर मिलते हैं। कोचिंग आपका बहुत जल्द अगर स्टार्ट होगी सरकार की जिस तरह से अगर बात रहेगी, 31 के बाद जो है कोचिंग अगर खुलती है तो मैं आप लोग से पुनः मिलूंगा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ।